इंटरनेट ठप होने से पाकिस्तान में जमकर हाहाकार मचा है। स्वास्थ्य और फाइनेंशियल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। कई आपातकालीन सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। व्यापारियों और सामाजिक संगठनों की तरफ से बयान जारी किया गया। सरकार से इंटरनेट तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। हालात एक तरफ आपके सामने और तमाम आपातकालीन सेवाओं के बाधित होने से और भी बुरे हालात। तो देखिए, देश के पूर्व पीएम को 70 साल के इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, उससे उनके समर्थक आपे से बाहर नजर आ रहे हैं। आइए अब इस वक्त की पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में चल क्या रहा है, 10 बड़े अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से। पाकिस्तान में आज भी शांति की कोई उम्मीद नहीं है। हंगामा सड़कों पर इसी तरह से बरपा रहेगा, ये आसार जताए गए। इमरान खान के बाद उनकी पार्टी पीटीआई अब निशाने पर है। पीटीआई के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी की तैनाती कर दी गई है, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। बीती रात लाहौर के कैंट इलाके में पीटीआई ने हमला कर दिया, जोरदार हमला था जिसमें जमकर हिंसा हुई। पांचवी बड़ी अपडेट, बीती रात शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो सबसे खास मंत्री माने जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। इसके अलावा आईएसपीआर ने स्टेटमेंट जारी किया, आर्मी चीफ पाकिस्तान वापस लौटे, ये भी एक बड़ी अपडेट। इसके अलावा कल लंदन से पीएम शाहबाज शरीफ भी देश वापस लौटे। देश जल रहा था और शाहबाज शरीफ लंदन में बैठे थे। शरीफ ने कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरीफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह से डिफेंड किया और इसे जायज ठहराया, वाजिब ठहराया। दसवीं बड़ी अपडेट जान लीजिए, पीटीआई ने आर्मी के स्टेटमेंट को झूठ का पुलिंदा कहा, यानी सीधे सीधे अब आर्मी वर्सेस पीटीआई, आर्मी वर्सेस इमरान खान होता हुआ नजर आ रहा है करुणा। तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स की मौजूदा हालात क्या है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे, हमने कल देखा किस तरह से पाकिस्तान की सड़कों पर AK-47 को लहराया जा रहा है, हमने आज देखा लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्या पाकिस्तान के तौर पर एक दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है क्या? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क में और ये नाजुक स्थिति जो बनी हुई है, मुझे कुछ सवाल खुद ही समझ में नहीं आते कि प्राइम मिनिस्टर बाहर हों कंट्री के और आर्मी चीफ बाहर हों और उस समय इनकी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में पेशी हो और तोशखाना और इसके साथ उनको रेंजर्स के द्वारा गिरफ्तार किया जाए, तो पहले तो टाइमिंग बड़ी अजीब लगती है। दूसरी बात, पहली बार पाकिस्तान में इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद, जो कुछ भी पीछे चल रहा था, 35 साल की जो उनकी मार्शल लॉ या जो उनकी आपस की रिवेंज एक दूसरे से, इसको एक के बाद पहली बार पब्लिक जो है उनका बवाल फूटा है और इसलिए भी फूटा है आर्मी के अगेंस्ट में डायरेक्ट, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन और जो उनकी प्रॉब्लम्स मॉनेटरी चल रही थी उसके साथ मिलकर इसको देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की पूरी मशीनरी को ना पता हो कि पाकिस्तान का हर जिला जलने वाला है, ऐसी कोई तैयारी है? यह भी अपने आप में हैरान करने वाला सवाल है।